तो वेलकम बैक गाइस टू माय अनदर वीडियो। तो आज है 26 मई और हम जा रहे हैं साइट पे फरीदाबाद, जैसा आप जानते हैं। तो ये आप देख रहे हैं नीलम चौक मेट्रो स्टेशन फरीदाबाद का। तो जस्ट इसके ऑपोजिट ही हमारी साइट है SSB हॉस्पिटल के सामने। सो गाइस पहुंच गए हम लोग साइट पे और आज देख सकते हैं हमारा जो टारगेट है उसको कम्प्लीट करना है। हमारी 2 लाइनें लमसम रह गई है वॉल से टच करने के लिए और इसके साथ साथ हम लोग फर्नीचर वर्क भी कराएंगे। तो अभी अंदर मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इस तरह से पूरा हमने जो ऑयल लगाया था डिजाइनर टाइल पे, जो डिजाइनर ब्रिक है उन सब पे, देखिए किस तरह का लुक आ गया है, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं देख के। और जो सामने आप जो डोर देख रहे हैं उस पे, उसको हमें चेंज करना है, वो सारा डोर चेंज होगा और इसकी जगह नया डोर लगेगा। ये डोर उतर जाएगा और इसकी जगह नया डोर हम लगा देंगे। तो पहले इसका एक बार मेजरमेंट कर लेते हैं क्या साइज है डोर का, हाइट विड्थ देख लेते हैं, बस इसकी थिकनेस देख लेते हैं क्या थिकनेस है, इसी के अकॉर्डिंग हमें नया डोर हमें लेना पड़ेगा। ओके सो गाइस चलिए इसका मेजरमेंट लेते हैं सबसे पहले। और ये देख सकते हैं आप, ये है 30 mm, 30 से 32 mm के अराउंड है। चलिए कोई बात नहीं। और इसके हिंजेस वगैरह आप देख सकते हैं कितने खराब हो गए हैं, तो सारे ये चेंज होंगे। सो गाइस ये जो डोर है ना, ये पेंट हो रखा है। चलिए बस इसकी हाइट और ले लेते हैं क्या इसकी हाइट है। आई थिंक अप्रोक्स 7 feet है इसकी हाइट, फिर भी अगर हम लोग मेजरमेंट ले लेते हैं क्या साइज आएगा। सो गाइस जो इसकी जो हाइट है अप्रोक्स 79 inches है, तो 7 feet के अराउंड ही है लमसम, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो डोर आएगा वो 7 feet by 30 inches का आएगा, 2.5 feet का। सो गाइस अब हम आ गए हैं बाहर दूसरी तरफ। तो इसको मैं आउटर लुक दिखा रहा हूँ आपको। तो ये चौखट है हमारी यहाँ पे फ्रंट पर, आप देख सकते हैं। और जो चौखट है उसका जो साइज है वो 4.5 inches by 2 inches की है, जो उसकी थिकनेस है, मोटाई वगैरह और चौड़ाई। और ये हमारा इमरजेंसी डोर है, जहाँ से इमरजेंसी होने पे ये एग्जिट और यहाँ पर है, एग्जिट कर सकते हैं यहाँ से। और इसकी थिकनेस अराउंड ये भी 50 mm के है, मतलब 2 inches के। सो गाइस अब चलते हैं ऊपर जहाँ पे ये डोर हमें शिफ्ट करने हैं। तो ये जगह आप देखिए, यहाँ पे देखिए ग्रेनेट लगा हुआ दोनों तरफ, इसकी जैमिंग हो रखी है ग्रेनेट से। तो यहाँ पे ये दोनों डोर लगेंगे, तो इसकी अलग से जैमिंग होगी प्लाई की और उसके बाद फिर डोर लगेंगे। तो एक तो ये डोर है और एक ये बाथरूम का डोर है, बाथरूम के एंट्रेंस का डोर है, ये बाथरूम का मेन यहाँ से। सो गाइस बज गए हैं दोपहर के 12 और देख सकते हैं सिविल वर्क कहाँ तक पहुँचा है। अभी यहाँ पे मसाला वगैरह सब बना रखा है और अभी जो फर्नीचर का काम आप देख रहे थे उसके लिए हमें मेटल भी परचेज करने जाना है, वो हम कल से काम शुरू करेंगे। आज हमने सारा मेजरमेंट ले लिया कि कितने यहाँ पे डोर लगने हैं और क्या साइज है सबका। तो चलते हैं मेटल लेने, यहीं से नज़दीक में ही लेंगे मेटेरियल और कल से काम शुरू करेंगे। चलते हैं मेटल वाली शॉप पर। तो गाइस पहुँच गए हम लोग शॉप पे फर्नीचर का सामान लेने के लिए, प्लस डोर लेने के लिए। और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डोर वगैरह हमने जो पसंद किए हैं। अभी ये देखिए ये डोर है, यहाँ पे 30 mm इसकी थिकनेस है और ये अराउंड आपको 140 rupees स्क्वायर फीट मिल जाएगा यहाँ पे विद GST। तो इस तरह से गाइस आप ले सकते हैं प्लस डोर, अच्छा है यहाँ पे। तो आज हम गाइस फर्नीचर का मेटल मैं डलवा देता हूँ और मुझे थोड़ा जल्दी जाना है अगर। सो गाइस हमने मेटल ऑर्डर कर दिया है और मेटल ऑर्डर करने के बाद हम लोग जा रहे हैं घर। एक्चुअली हमारी मामी जी आई हैं गांव से, तो उनको दिल्ली घुमाना था, काफ़ी टाइम बाद वो दिल्ली आई हैं। तो आप लोग भी सफ़र में बने रहिए और चलते हैं हम घर। सो गाइस हम लोग घर पहुंच गए और घूमने के लिए निकल गए हैं। सो गाइस सब मिलके फैमिली वालों ने प्लान किया कि हम लोग वेगस मॉल जाएंगे घूमने के लिए। तो वेगस मॉल सेक्टर 14 द्वारका में है, तो हम पहुंच गए वेगस मॉल, ये है बेसमेंट 1B1 में। और अब हम चलेंगे ऊपर यहाँ से, देखिए कौन कौन यहाँ पे साथ में आए, मैं अभी आपको बताता हूँ कौन कौन है। तो पहले ऊपर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। गाइस फर्स्ट फ्लोर पहुँच गए, देखिए सामने हमारी मामी जी है, ये हमारी मम्मी है और ये बच्चे हैं मामी जी के, और ये मेरा बेटा है 3 साल का। तो ये है वेगस मॉल गाइस, और इन्होंने सबने कहा कि वेगस मॉल घूम के आएंगे, मॉल देख कर आएंगे, दिल्ली आए हैं काफ़ी दिनों बाद। तो इनका मन किया कि एक ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर हम लोग घूम फिर सकें। तो गाइस हमारे घर के पास ये वेगस मॉल नज़दीक में पड़ता है, तो वेगस मॉल का ही हमने प्लान किया कि वेगस मॉल ठीक है, इसके बाद फिर जहाँ प्लान करेंगे आगे देखते हैं। तो ये गाइस फर्स्ट फ्लोर है वेगस मॉल की, आप देख सकते हैं कितना प्यारा यहाँ पर बना रखा है, काफ़ी यूनिक लुक दिया हुआ पूरे मॉल को। और अब तो काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर भी हो चुका है, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी यहाँ पे आते हैं अपना फिल्म का प्रमोशन करने के लिए। तो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सामने किस तरह की यहाँ पे अपर लाइटिंग दी रखी है, बहुत ही प्यारी लगती है लाइट ये।
और सेकंड फ्लोर पे गाइस पहुंचने के बाद ये देखिए इसका फ्रंट व्यू, यहाँ पे देखिए कुछ गेमिंग कंसोल का कुछ यहाँ पे चल रहा है प्रमोशन, ये गेम का कुछ उन्होंने प्लेटफॉर्म बना रखा है, यहाँ पे बच्चे किस तरह से यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे नई चीज़ें होने लगी हैं, पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, अब धीरे धीरे काफ़ी यहाँ पे स्टोर्स खुल चुके हैं और लोगों की नॉलेज में भी ये मॉल आ चुका है, पहले इतना पॉपुलर नहीं था बट धीरे धीरे आप जानते हैं कि हर चीज़ पॉपुलर हो जाती है। तो गाइस ये मॉल भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। ये है आईमैक्स, यहाँ पे 3D आईमैक्स देख सकते हैं, यहाँ पे PVR सिनेमा, यहाँ पे दिल्ली, ये इस मॉल के अंदर 16 स्क्रीन्स हैं टोटल, अभी तक किसी मॉल के अंदर नहीं होंगी इतनी फिल्म स्क्रीन्स, और हर तरह की यहाँ पे स्क्रीन आपको मिल जाएगी, आईमैक्स वगैरह लग्जरी वगैरह सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। सो गाइज हम आ गए फूड कोर्ट पे, फोर्थ फ्लोर है ये, और यहाँ पे पिज़्ज़ा हट आप जो देख रही हैं गाइज हमने ही बनाया पिज़्ज़ा हट ये कम्प्लीट, और अब कुछ प्लान कर लेते हैं कुछ खाने का। तो गाइज हम लोग बैठ गए खाने की टेबल पे और प्लान करें क्या ऑर्डर करते हैं। गाइज सब लोगों ने प्लान किया कि चलो बर्गर ऑर्डर करते हैं बर्गर किंग से, तो मैंने बर्गर ऑर्डर करने में जा रहा हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। सो गाइज आ गए हमारे बर्गर, बच्चों के लिए भी सबके लिए बर्गर हमने मंगा दिए हैं, और अब करते हैं हम लोग तो लेते हैं गाइज बर्गर के मज़े। सो गाइज ये आप जो देख रहे हैं ये वेगस मॉल की 5th फ्लोर गेम जोन है पूरा कंप्लीट, तो बच्चों को मन किया चलो गेम खेलते हैं, तो बच्चों को गेम खिलाने के लिए गाइज हम लोग यहाँ पे आ गए, और काफ़ी सारी यहाँ पे गेम की वैरायटी है, तो आप कुछ भी आके आप यहाँ पे खेल सकते हैं, बच्चों को इंजॉय करवा सकते हैं, आप खुद भी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, आज इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिली, सैटरडे या संडे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है, तो चलते हैं पहले बच्चों को। तो गाइज मैंने अपने बेटे को देखो ये इसमें बैठा दिया गेम में, ये जिद कर रहा था कि मैं इसमें बैठूंगा, मैंने बैठा दिया, चलो अच्छी बात है, बच्चों का एंजॉयमेंट होना ज़रूरी है। गाइस ये है हमारी मामी जी की लड़की हैं दोनों, और ये देख सकते हैं यहाँ पे गेम खेल रही हैं, तो पूरा इन्होंने गेम जोन अच्छे से इंजॉय किया। सो गाइस ये है वेगस मॉल की 6th फ्लोर, और आप देख सकते हैं 6th फ्लोर का डिज़ाइन काफ़ी यूनिक बना रखा है, और यहाँ पे काफ़ी आपको बार शॉप्स बार आउटलेट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो और इसके बाद हम चलेंगे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। सो गाइज ये है ग्राउंड फ्लोर वेगस मॉल के आउटर एरिया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी सारे आउटलेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं एग्जीबिशन के तौर पर, और इसी के साथ गाइज हमने इस तरह से पूरा मॉल इंजॉय किया। गाइज आपने वीडियो एंजॉय करी होगी, तो इस तरह से पूरा दिन हमारा कटा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम, कल का शेड्यूल देखते हैं काम का कहाँ तक पहुँचा है, और इसी तरह से प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, थैंक यू।